पर इस संरक्षण को मिलते ही मनुष्य में क्या होना चाहिए, स्वयुग में क्या होना चाहिए, वो धीर गंभीर और किसी से डरने वाला इंसान नहीं होना। वो किसी से भागता नहीं, जम जाता है उस जगह और जो कुछ दुष्ट आदमी है उसके सामने डट जाता है। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो जमाना गया, अब तो आप सिर्फ खड़े हो जाए वो दूसरा भाग जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा। ऐसे अनेक अनेक अनुभव सहयोगी मुझे लिख के भेजते हैं कि मां ऐसा हुआ वैसा हुआ ये बात हुई। नहीं तो इस परदेशी लोगों के सामने सहयोग फैलाना कोई आसान चीज नहीं। और मुसलमानों में भी जब आप सहयोग फैलने लग गया तो इससे आप समझ सकते हैं कि दैवी शक्ति जो प्रेम की शक्ति है उसके अंदर कितनी ताकत है और उससे कितने कार्य हो सकते हैं। पर इसका मतलब नहीं कि आप हनुमान जी के नाम पर कोई बड़ी उत्पीड़न तैयार करें, ये इसका बिल्कुल मतलब। जैसे आजकल बने हुए हैं हनुमान जी का नाम ले लो, गणेश जी का नाम ले लो, और नहीं तो महादेव जी का नाम ले लो, और ऐसी ऐसी संस्थाएं बनाओ। कोई संस्था बनाने की जरूरत नहीं, आप स्वयं ही एक संस्था है, न तो आपको कोई छू सकता है और न तो कोई आपको नष्ट कर सकता है। एक अपने को समझने की बात है जो कि सब शास्त्रों में कहा है कि आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने को जानना। अपने को जानना माने क्या? जानने का मतलब है ये जानिए कि आपके आगे पीछे कौन कौन खड़ा है, कौन कौन आपका रक्षक है, और जो आपको लोगों से प्यार है और दुलार है, और जो लोगों के प्रति जो हर समय ये सोचते कि इनको मैं किस तरह से खुश करूंगा, जैसे कल चोखा मेला ने कहा था कि सारे संसार को मैं सुखी करूंगा, सबको मैं आनंद से भर दूंगा, ये जो भावने आपके अंदर आती है उसमें सोचना चाहिए कि आपका कोई भी बिगाड़ने वाला नहीं बैठा हुआ। हिम्मत कोई नहीं बिगाड़ेगा और उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, उसके लिए आपको कोई तलवार रखने की जरूरत, गदा रखने की जरूरत, वो तो सब है ही, वो पहले से बन बुन के आए हुए हैं और वो आप में समाये हुए हैं। आपको जरूरत ही नहीं है कि आप अपने को बलिष्ठ बनाएं, आप हैं। एक चाइनीज किस्सा है बहुत मजेदार के उनके यहां मुर्गों की लड़ाई होती है। तो जब मुर्गों की लड़ाई होती है तो उसमें यह हो गया कि किसी तरह से एक राजा को ऐसा लगा कि कोई साधु के पास ले जा, तो ये मुर्गे जो हैं ये साधु से सीख ले कि दुनिया से कैसे लड़ना चाहिए, क्योंकि ये साधु किसी से लड़ता नहीं पर इसको कोई छूता भी नहीं, इससे लोग दूरी भागते हैं और उसके तरफ नतमस्तक रहते हैं। तो ऐसी कौन सी इसमें बात है कि ये इस तरह से इस दुष्ट दुनिया में इस तरह से रह रहे हैं। तो साधु ने कहा कि अच्छा तुम मुर्गों को छोड़ लो, तो एक मुर्गा उसके पास को छोड़ के चलेगा। एक महीने बाद वो मुर्गा वो ले गए और उसको यहाँ लड़ाई हो रही थी
बहुत सारे मुर्गे जन्मे थे, ऐसे प्रांगण में ले जाके छोड़ दिया। तो अब मुर्गे जो ये महाराज थे ये अपने खड़े रह गए। अब सब मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक सब निकल गए। बस एक ये महाशय खड़े रहे। सब लोग इनसे डरने लगे कि इनको तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो कोई विशेष है कि क्या। और आखिर में वही एक मुर्गा बचा रहा जो अपनी शान में खड़ा हुआ। सो आज जब हम हनुमान जी की यहाँ पूजा कर रहे हैं तो सोचना चाहिए कि हनुमान जी साक्षात हमारे अंदर बसते हैं, वो हमारे राइट साइड में। माने पिंगला नाड़ी पर काम करते हैं, पिंगला नाड़ी पर काम करते हैं और हमारे अंदर जोश भरते हैं और उससे उष्णता भी आती है इंसान में। पर उनका मार्ग ऐसा है कि आपके अंदर उष्णता भी आए और भक्ति भी साथ साथ चले। सो जो वो उष्णता आती है, जो जोश आता है, वो हमारे अंदर राइट साइड में काम करता है। और जब हम हनुमान जी की संतुलन शक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ अनेक बीमारियां आ जाती हैं। जैसे लिवर की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है और यहाँ तक हार्ट अटैक करना चाहिए आता है। और जब इनकी गर्मी नीचे की तरफ जाती है, हनुमान जी गर्मी को कंट्रोल करते, पर जब गर्मी कंट्रोल नहीं होती है तो ऐसी ऐसी बीमारियां होती है कि जिनका कोई इलाज, ब्लड कैंसर हो सकता है इससे और इंटेस्टाइनल ट्रबल हो सकता है। मैंने दुनिया भर की बीमारियां एक ही लिवर के खराबी से होती है, और लिवर की खराबी होती है क्योंकि हम हनुमान जी की बात नहीं मानते। मैंने कभी जब हमें गुस्सा आया, कोई जरूरत नहीं गुस्सा आने, पर आया गुस्सा तो लगे मारने पीटने, इसको उसको हंगामा करने, सिर्फ हनुमान जी की शक्ति। कोई गुस्सा करने की बात ही नहीं, किसी पे नाराज होने की बात ही नहीं है, क्या जरूरत ही नहीं है। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो वो किसी पे गुस्सा नहीं। लेकिन इंसान है, हर बात पे गुस्सा चढ़ता है, अहंकार चढ़ता है उसके अंदर। हनुमान जी में जरा भी अहंकार नहीं था। राइट साइडेड आदमी में बहुत अहंकार होता है, मनुष्य में तो इतना अहंकार है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मेरा तो जी घबराने लगता है जब देखती हूँ उनको, किस चीज का अहंकार था। उस अहंकारिता का कोई अर्थ ही नहीं है कि हम माने क्या। कोई एक सर्वसाधारण मनुष्य भी अहंकार करता है, और बहुत से राजे महाराजे भी अहंकार नहीं करते। इसका कारण है उनके अंदर ही ऐसी कोई स्थिति बनी है कि वो हनुमान जी को नहीं मानते। जैसे ही आप हनुमान जी को मानते हैं वैसे आप श्री राम को मानते हैं। अब बताइए कि अगर आप राइट साइडेड आदमी हैं तो आपको तो अस्थमा होना नहीं चाहिए, क्योंकि श्री राम का वास हमारे सहयोग हिसाब से राइट हार्ट पे। क्योंकि आप हनुमान जी को नहीं मानते हैं, उनके तरह का आपका व्यवहार नहीं है, संतुलन नहीं है, इसलिए आपका अस्थमा भी हो जाता। हृदय में आपके शिव जी का स्थान, वो भी वही गड़बड़ हो जाता है, और आपको हार्ट अटैक आ सकता है या आपको और बीमारियां हो सकती हैं। सहयोग पे आने पर आपको समझना चाहिए कि हनुमान जी का आपके सामने एक आदर्श है,
गणेश गीता है ही, वो तो अबोधिता के बिल्कुल अवतार, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही भोले वाले, लेकिन बुद्धि के बहुत चाणक्य। और हनुमान जी के अंदर एक संतुलन, एक प्यार भरा आनंद, और उसी के साथ साथ शक्ति दर्शन, ये सब चीजों को समझते हुए एक सहयोगी का चरित्र या उसका जीवन ऐसा होना चाहिए कि संतुलित। आपको जब गुस्सा भी आता है तो आप चुप होके देखें, मुझे मेरे ख्याल से मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आता, या आता भी होगा तो मुझे तो पता नहीं, और बगैर गुस्सा किए मामला ठीक हो जाता। हाँ मैं कहूंगी जरूर कि ये क्या कर रहे हो, बस ज्यादा इससे आगे नहीं। और लोग तो गाली गलौज दुनिया भर की चीजें करते, पर जब ये अति हो जाता, जब ये गुस्सा करने का मादा अति हो जाता है, और आदमी वो तो बड़े गुस्से में बैठे हुए हैं, वो वहां बैठे हैं गुस्से करके बैठे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं, इस तरह के जब आदमी हो जाते हैं तो एक बड़ी गंभीर बात होती है, एक बड़ी गंभीर बीमारी उनको लगती है, उनको अल्जाइमर कहते हैं। अल्जाइमर की बीमारी इस गुस्से से होती है। वो गुस्सा जो हम बेकार में, अब समझ लीजिए आपके लड़के को किसी ने थप्पड़ मार दी, हो गए आप उससे गुस्सा होने से क्या बात होगी, उनके सोचना चाहिए कि हमारे लड़के की कोई गलती है या हम जबरदस्ती अपने प्यार में उस लड़के को खराब कर रहे हैं। इस तरह का संतुलन जीवन में नहीं आएगा तो ये अल्जाइमर की बीमारी बहुत ही खराब होती है, इसमें आदमी पगड़ा खा जाता है, मरता भी नहीं है और किसी को मरने भी नहीं देता, गालियां देता है, जीतते रहता है। उसके इतनी पकड़ आ जाती है लेफ्ट साइड में ब्रेन में कि उसका व्यक्तित्व ही एक अजीब सा हो जाता। उसका इलाज है सहयोग में, पर बड़ा कठिन है, क्योंकि वो तो गालियां देते बैठते हैं, उसको जो ठीक करे जाएगा उसको ही गालियां देंगे, तो कौन माने चला कोई डॉक्टर हो उसको कोई गाली दे तो कहीं जाए चूल्हे में, मुझे क्या करने का। यही होता है उनके साथ कि नहीं चाहिए माँ हमको इसको ठीक करना ही नहीं, जाए यहां रहना जैसे। अब दूसरे हनुमान जी के जो बड़े वाली दुश्मन है वो है शराबी। जो लोग शराब पीते हैं उनका लंका दहन करते हैं। अरे आप देखते हैं जो आदमी शराब पीते हैं ना, कोई उनसे बात करेगा ना कुछ करेगा, अच्छा वो 10 शराब इकट्ठे करके और शराब पिला। अब सब शराब पी रहे हैं, ना उनके घर में खाने को है ना पीने को है, नहीं कुछ के बस शराब पी रहे हैं पागल जैसे। जो लोग हनुमान जी को मानते हैं वो शराब नहीं पी सकते, नहीं पी सकते, क्योंकि इधर से मानो तो उनको और करो उसके उल्टा तो हो नहीं सकता। और आजकल मैं देखती हूँ कि शराब पीना बहुत बढ़ गया है, और मुझे आश्चर्य होता है। एक बड़े अफसर साहब थे, एक बार उनके घर में गए, क्योंकि हमारे पति के वो दोस्त भी थे और मियाँ बीवी दोनों शराब पीते थे, और बड़ी ठंड थी तो मुझे कहले आज रात यहीं ठहर जाओ। मैंने कहा अच्छा ठहर जाए, तो पूरे घर में एक कंबल, मैंने कहा हे भगवान इतने बड़े अफसर के घर में एक कंबल, मैंने कहा मेरे तो बात नहीं मैं तो सो लूंगी, अब वो लोग परेशान हो कि एक कंबल में इनको कहाँ सुलाए। मैंने कहा मेरी चिंता मत करो मैं अच्छी कर लूंगी। इतना उनका हाल खराब, उनकी लड़की खराब गई, लेकिन माने तो तैयार नहीं कि मेरी लड़की खराब गई, बस जैसे शराब पी लेंगे
तो ये कहना शुरू करेंगे कि साहब मेरी लड़की सबसे अच्छी, आप कुछ मत कहिए। वो लड़की का सत्यानाश, क्योंकि चढ़ गई शराब, चढ़ गई तो होश ही नहीं, उसका बिल्कुल सत्यानाश हो गया उस लड़की का। अंत में अभी आई थी मेरे पास सोते हुए, बहुत उसका ने सर्वनाश कर दिया। तो ये बात है कि शराब का एक नशा और नशा को भी बढ़ा देता है, और उसमें सबसे बड़ा नशा यह हो जाता है कि मनुष्य को प्रेम नहीं रहे, तो किसी से प्यार नहीं करता। इसीलिए सबने, सारे धर्मों ने शराब को मना किया। लेकिन अब ईसाई धर्म जैसे है, सब लोग उसमें से कुछ ना कुछ हिसाब किताब बना लेते हैं। हिंदू धर्म में भी है, ईसाइयों में भी, मुसलमानों में। तो उन्होंने ये कहा कि जब ईसा मसीह किसी शादी में गए थे तो उस शादी में शराब बनाई गई, बिल्कुल झूठ। इसलिए हम लोग शराब पीते हैं। माने इंग्लैंड में तो मैं हैरानी हो गई, कोई मरा तो शराब, कोई मर गया तो भी शराब पियेंगे, कोई पैदा हुआ तो भी शराब पियेंगे। मतलब इसका क्या अर्थ है, मेरे समझ नहीं आया। तो वो जो आदत हो गई उन लोगों, और शराब का वहां बिल्कुल बड़ा भारी एक संस्कृति सी बनी हुई है शराब की, किताबें लिखी हुई कौन सी शराब कब पीना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कैसा ग्लास इस्तेमाल करना चाहिए। अब इन शराबी लोगों का जो हाल मैंने देखा, वो मैं सोचती हूँ कि ये आधे इंसान है आधे बिल्कुल पगले, पागल लोग। पर वो वहां संस्कृति बन गई, सबसे ज्यादा तो फ्रांस में है, फ्रांस की तो संस्कृति बन गई, उनसे अपने को सीखने का कुछ नहीं। अब वो जो शराब की बात करते हैं, तो ईसा मसीह जब वहां गए तो उस वक्त में वो जगह हिब्रू में मैंने पढ़ा हुआ कि लोग जो है द्राक्ष का रस पीते थे, माने अंगूर का रस पीते थे। तो उन्होंने पानी में हाथ डाल के उसके अंगूर का रस बना दिया पानी का। शराब कभी सड़ाए गलाए बगैर बनती है क्या? दो मिनट में सहज में शराब बन सकती है क्या? जब तक आप शराब को खूब सड़ाइए नहीं, और जितनी सड़ेगी उतनी महंगी, 50 साल सड़ी हुई हो तो और भी अच्छी, और 100 साल हो तो बस दुर्लभ। ये शराब की आइडियाज बना ली शराबियों ने, और शराबी लिखने वाले और शराबी कहने वाले, उनके शराबियों के लेक्चरों से न जाने कितने लोग बेवकूफ बनते हैं। पर किसी शराबी का मैंने किसी भी देश में पुतला खड़ा हुआ नहीं देखा। सो ये सब लोग श्री हनुमान के विरोध में नहीं है, पर उनको अटैक करते हैं, उनको आक्रमण करते हैं। फिर वो भी दिखा रहे थे ऐसी गर्मी अंदर कर देते हैं पेट में कि फिर कैंसर फलाना टिकाना सब बीमारियां। जब पियो और पियो पियो, ये शराब पीने पिलाने की और पीने की जो ये रसम चल पड़ी है, इसका मुझे तो डर लगता है कि हनुमान जी को संभाले रहो, न जाने क्या कर दें, कहां से क्या आफत कर दें, इनका क्या ठिकाना। सारे शराबियों को एक दिन पकड़ के समुद्र में न डाल दें, मुझे तो यही डर लगता है, क्योंकि इनमें दया है, भक्ति है, सब है, पर जो इनके विरोध में खड़े हैं उनके, जैसे श्री गणेश, दुष्चरित्र आदमी अगर कोई हो, कोई अगर बुरे वर्तन का आदमी हो, तो उसके विरोध मूलाधार चक्र पड़ता है, इसका चरित्र चित्र। पर इनकी बात और है, ये जब किसी आदमी को देखते हैं कि वो अपनी चेतना से ही खेल रहा है, शराब पीने से चेतना ही नष्ट होती है, तो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं।
घर में कलह होगा, झगड़े होंगे, मारा मारी होगी। अब देखिए कि रस्ते पर मारा मारी हो रही, अगर आप रास्ता रोक गया तो दो शराबी आपस में मार रहे हैं, फिर उसकी हवा और फैल गई। तो किसी शराबी के घर किसी सहयोगियों को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपवित्र जगह, और न ही किसी भी शराबी के साथ कोई संबंध रखना है। सहयोगियों के लिए भी बड़ा घातक है, क्योंकि इधर तो आप हनुमान जी को मानते हैं और उधर आप शराबियों के जाते हैं। खासकर पूना में न जाने कितने तरह के हनुमान जी हैं, मारुति, कोई दुलिया मारुति तो कोई वो मारुति तो कोई वो मारुति। तो पुणे वालों के लिए तो बहुत बच के रहना चाहिए। वो एक माँ आए थे हनुमान जी वाले मेरे पास की माँ एक आके लेक्चर दो, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। कल क्यों? मैंने कहा आप शराब पी करके वहां गंदे गंदे सिनेमा के गाने गाते हो, और आपको मालूम है ये मारुति क्या है? ऐसे गले घोटेंगे सबको के फिर पता चल जाएगा। तो उस गणपति के यहाँ आजकल मैंने ये सुना है शराब वराब पीने नहीं देते, कोई शराबी पी कर आता है तो उसको भगा दे। आप सोचो कि हिम्मत देखिए कि हनुमान जी के सामने ही जा करके और ये धंधे करना, हनुमान जी के सामने क्या हिम्मत। और ये सब कुछ करने से लोग सोचते हैं कि पैसा आता है, इसका जो धंधा करते हैं और जो पीते हैं इसके जो ग्राहक हैं सब किसी तरह से बिल्कुल बेकार बैंक्रप्ट, एक पैसा नहीं। अब लोग कहेंगे कि शराब में ऐसा क्या है, क्योंकि हनुमान जी का मामला है भाई, इसका क्या कारण है? हनुमान जी के विरोध तुम जा रहे हो, उनकी शक्ति आपके अंदर राइट साइड से बैठे, उसको इस्तेमाल करो संतुलन के साथ, बजाय इसके आप शराब पीते अपना लिवर खराब करो, फिर ये खराब करो तो वो खराब करो, तो वो तो उखड़ेंगे। माने सूक्ष्म में ये हनुमान जी का काम, बाह्यता लोग नहीं समझते। बाह्यता तो यह हालत है कि कहीं अगर शराब के विरोध में कुछ कहो तो लोग मारने को दौड़ेंगे आप, अगर आप नहीं पीते तो कहेंगे क्या बेवकूफ आप शराब नहीं पीते हो। अरे बाबा उसके पीछे में इतने बड़े हनुमान जी खड़े हुए हैं, अगर एक बार भी इसका प्रहार किया तो गए आप जिंदगी से गए। मेरे ख्याल से पहले ही प्रहार करते नहीं तो लोग ऐसे पागल जैसी कैसी बातें करते, वही वही बात करें, वही वही बात एकदम, और सब पागल, सब साथ पार्टी हो रही, ये हो रहा और सब पागल लोग। फिर शादियों में बरातियों में सब में चलता। अब जो इंसान कार्य करता है बहुत आगे की सोचता है और बहुत विचारक है सब, पर प्रेम नहीं है सबके प्रति, प्रेम की भावना नहीं है, उसको भी इसकी तकलीफ होती। क्योंकि राम की भक्ति करने वाले इस हनुमान जी का कोई ठिकाना नहीं। अगर आप बड़े कार्यकर्ता है, बहुत बढ़िया आदमी है सब कुछ, लेकिन आपको सबके प्रति प्रेम नहीं, चलने नहीं, सबके प्रति प्रेम रखना, और इसीलिए
ईसा मसीह ने कहा है कि सबको माफ करिए। आप कौन होते हैं माफ न करने वाले? आप स्वयं हनुमान जी नहीं है, हाँ आपके साथ हनुमान जी हैं और आपके लिए वो आदर्श है कि वो अपने भक्ति के शक्ति पर इस ऊंचे पद पर पहुंच गया। जहां गर्मी हुई लोगों की खोपड़ी खराब हो जाती है और प्यार का मजा टूट जाता है, ऐसे हनुमान भक्त श्री बजरंग बली को सबको नमस्कार करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी सहयोग से शक्तियां आई हैं उसको संतुलन में रखें। प्यार ऐसी चीज है कि आप बड़े बड़े लोगों को प्यार के बंधन में फंसा, हम तो यही करते रहते हैं क्योंकि अजीब अजीब लोगों से पाला पड़ता है। अब उन पे ऐसी प्यार का चक्कर चलाओ कि वो ठिकाने आ जाए। एक बार हम गए थे कहीं, वहां एक साधु बाबा बड़े मशहूर, लेकिन गुस्से के तेज, ये लोग सब गुस्से के तेज बहुत होते, तो हम चढ़ के ऊपर गए तो वो गुस्से में यूं गर्दन कर रहे थे क्योंकि उनको यह अहंकार था कि वो बरसात को रोक सकते हैं। और मैं जो ऊपर गई, चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंची तो बिल्कुल भीग गई बरसात। अब ये बहुत गुस्से होकर बैठे थे तो मैं जाकर उनके गुफा में बैठी, वो आके बैठ गए बहुत गुस्से। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, आप भीग गए तो क्या हो? नहीं, कहना कि तुमने, आपने मेरा अहंकार निकालने के लिए ही पानी बरस रहा था, उसको रोका नहीं, क्योंकि मैं तो रोक सकता हूं, मेरे ये अहंकार हो गया। ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो तुम सन्यासी हो और तुमने मेरे लिए एक साड़ी खरीदी, मैं सन्यासी से तो कुछ ले नहीं सकता, ले नहीं सकती, और तू मुझे कुछ दे नहीं सकती। तब मैंने सोचा कि भीग जाओ तो लेना ही पड़ेगा। उस चीज से उनके आंख से आंसू बहने लगे, मेरे पैर पे गिर पड़े। मैंने कहा मुझको क्या करना था, मुझको तो सिर्फ थोड़ा सा भीगना ही, नहीं तो मैं भी नहीं लेने वाली थी, पर मैंने कहा थोड़ा भीग जाओ तो फिर लेना पड़ेगा साड़ी। तो कहने लगे कि अच्छा, मैंने कहा तुमने मेरे लिए भगवे रंग की साड़ी दी है और नौ वार, ये अच्छा किया क्योंकि इसमें तो पेटीकोट भी गया तो नौ वार मैं पहन सकता। बहुत खुश, एकदम उनकी तबीयत खुश हो। तो ये प्यार ऐसी चीज है कि बड़े बड़े गुस्से वालों को जमीन पर उतार लाते हैं। और पहले के अनेक ऐसे उदाहरण है, वो जो बताते बसू बैठू तो रात पूरी ऐसी बीत जाएगी, और अब भी हर दिन हो रहा है। ध्यान से बात करो, उसमें क्या जाता है? अगर आप प्यार करोगे तो दूसरों के सद्गुण आपके अंदर आए, और अगर आप किसी से नफरत करोगे उसी से उसके जो दुर्गुण है वो आपके अंदर आ जाए। लेन देन का मामला, आपने किसी से ये ऐसा वो वैसा, जो देखो कोई चीजी नहीं, ऐसे बहुतों के यहाँ रिवाज है, संस्कृति है कि कोई घर में आया बैठा खाओ पियो ठीक है, हाँ हाँ सब हुआ, जैसे क्या ये ऐसा खराब आदमी। फिर दूसरा आया वो बैठा, खासकर औरतों में बहुत होता है, तो आके बैठा, हाँ बड़े अच्छे बड़े अच्छे, हाँ जाओ जाओ, हाँ ये ऐसा। अरे भाई ऐसे ऊपरी प्यार से तो नहीं हो सकता ना, तो तुम इस तरह से ऊपरी प्यार से करोगे तो वो क्या समझता नहीं है क्या? प्यार अंदर से करने की शक्ति आपको प्राप्त है,
क्योंकि आप सो चुकी है। और जब ये चीज को आप आत्मसात करोगे, अपने आप जब प्यार का पेड़ खिलेगा तो आप दूसरों को आनंद दोगे और उसकी खुशबू आपको भी आएगी। प्यार के सागर के सिवाय और कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए बजरंग बली से जो चीज सीखने की है वो है उनकी भक्ति, और वो शक्ति जो उन्होंने आपको दी है कि आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे हजारों उदाहरण स्वयोग में है, तो चमत्कार उसको लोग कहते हैं। मैं कहती नहीं है तो इसलिए हनुमान जी की कृपा। तो आप सबको अब मैं अनंत आशीर्वाद और प्यार कहती हूँ। पहले अपने को भी प्यार करो और दूसरों को भी प्यार करो। इसका मतलब नहीं मेरा बेटा मेरी यही है, नहीं, इसका मतलब है निर्वाज प्यार। प्यार इसका कोई बदला नहीं, इसका कोई रिश्ता नहीं। ऐसी प्यार की शक्ति आपके अंदर आई है, उसको आप इस्तेमाल करें। अनंत भाई, या इंद्रित बोले आ रहे हैं, बड़ी सुंदरी है। हिंदी भाषा शिकावी असं मला वाटतं। आता 50 वर्ष झाले स्वातंत्र्य येऊन आणि अजूनही हिंदी भाषा येत नाही म्हणजे काय? बरं, लिपी तुमची तीच आहे। हिंदी भाषा शिकली पाहिजे। एकाहून एक कवी झाले, काय काय सुंदर लिहितात, सगळ्या तऱ्हेने समृद्धी मिळते। मराठीत नाही अशातली गोष्ट नाही। मराठी भाषा फार उच्च आहे, पण लोक मराठी शिकू शकत नाही। खरंच शिकू शकत, मराठी फार कठीण आहे हो। मग आपणच हिंदी शिकावी। मी तर कधी हिंदी शिकले नाही, कधी इंग्लिश शिकले नाही, फक्त मराठी शिकले होते। पण त्यातच मला उमगलं का आपण सगळी भाषा आपल्याला आली पाहिजे आणि येते। जर विचार केला तर तुम्ही सहजोग्या, तुम्हाला काय कठीण आहे। बरं, सगळ्यांना अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद।